हो, सब कुछ रेडी है ना? जी सर, रेडी हूँ। फिर तीन तक गिन। ठीक है। 1 2 3 खेलो, मैं अभी आता हूँ। रुको, एक्सरसाइज करनी है। चलो अंदर जाकर एक्सरसाइज ही तो करना है, वो एक एक्सरसाइज काफी नहीं है? ठीक, अब तुम भी ना हमेशा। ओके बाय यार। अरे अभी खेल पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हमारा तो हो गया। अरे ये क्या? हम अगर रोज ऐसे एक्सरसाइज करेंगे ना, फिटनेस का तो पता नहीं मुझे, लेकिन जिस हाथ से बॉल पकड़ा है उसी हाथ में बेबी होगा। तो और भी अच्छा है, शादी होने के बाद बच्चे का ख्याल मैं रखूंगा और तुझे आराम मिल जाएगा। पापा इसी साल मेरी शादी करना चाहते हैं। कौन है वो बदकिस्मत इंसान? अरविंद शट अप। सॉरी, इतना खुशकिस्मत कौन है? क्या पता, मुझे भी कुछ पता नहीं, सोच रहे हैं। अरविंद अभी ये गाना सुनना जरूरी है क्या? क्यों, अच्छा ही तो है। हमारा रिलेशन इतना डीप नहीं है ना। तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की ये सोच होगी? पता नहीं, अगर वो भी हमारी ही तरह निकला तो।
हेलो, हाँ आ रही हूँ। ओके ओके, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ओके ना, 1 मिनट। अरविंद, 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 नमस्ते सर। संभालिए अपने आप को। किसी ने इतनी बेरहमी से कत्ल किया है कि चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। सर शांत रहिए। देखो तो मेरे बेटे को कैसे मारा है, कैसे मारा है, कितनी बेरहमी से मारा है। सर क्या किया था मेरे बेटे ने आखिर, किसी का क्या बिगाड़ा था इसने। सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए, सर रिलैक्स, बॉडी ढक दो। कौन है ये लोग? एमएलए के बेटे की हत्या से संबंधित लोग हैं सर। नाम? अभिराम। सुजीत। नीतू। चैतन्य। उदय। मनीष। मणि। जब मर्डर हुआ था क्या तुम लोग वहीं पे थे? हाँ सर, वॉलीबॉल खेल रहे थे, अरविंद बीच में ही छोड़कर चला गया था। बीच में चला गया था? हाँ सर, मुझे पता नहीं है सर, मैंने उसे जाते हुए नीतू के साथ देखा था। नीतू, जब मर्डर हुआ था तुम वहीं पे थी, कैसे हुआ था? सिगरेट पीने के लिए अरविंद ने कार साइड में रोकी थी। अरविंद की कार लेकर आ गई सर। वहाँ आसपास तुमने किसी को देखा था? नहीं सर, कोई दिखाई नहीं दिया। उसका किसी से झगड़ा हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक से याद करो, शायद गुस्से में किसी से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं। बेसिकली वो इंसान कैसा था? कूल पर्सन सर, जहाँ तक हमें पता है उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। जरूरत पड़ी तो दोबारा आना पड़ेगा, अभी जा सकते हो। प्रताप, बचपन से उसे किसी भी दुख का एहसास दिलाए बिना उसे बड़ा किया है। ऐसे में उसे खून से लथपथ देखकर जवान बेटे को खोने का दुख क्या होता है, ये एक पिता होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपने बेटे को पलकों पर बिठा कर रखा था और किसी ने उसे मेरी जिंदगी से छीन लिया। मेरा बेटा कितना तड़पा होगा जब वो मार रहा था। सर आप थोड़ा धीरज रखिए सर। कैसे कैसे धीरज रखूं मैं, इकलौता बेटा, मेरा वारिस था वो। इस सब का क्या करूंगा अब, किसके लिए जीऊंगा अब मैं? बहुत दर्द हो रहा है।
तुम्हें लग रहा है कि मैं रो रहा हूं प्रताप, मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा। रोने से सिर्फ दुख मिलता है। अभी मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए, इसलिए मैं नहीं रोऊंगा। जो मेरा अंतिम संस्कार करने वाला था, उसी का अंतिम संस्कार मुझे करवाया उसने। मुझे वो चाहिए प्रताप, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। एसपी से बात की है, जितने लोग चाहिए उतने लोगों को लेकर जाओ। किसी की जरूरत नहीं है सर, उसे पकड़ने के लिए एक ही है, वही काफी। उसे ला के आपके पैरों में पटकूंगा। चलता हूँ सर। अपनी बेमतलब की पेंटिंग बना ली? ये तो तुम्हें ही बताना होगा, मतलब की है या बेमतलब की। अपनी माँ से एक सुशील लड़की से शादी करवाने को कहा था, तुम जैसी पगली से शादी करवा दी। तब तुम्हें पता नहीं था कि मैं पागल हूँ? कहाँ, तुम्हें देखकर लगा नहीं था। क्या है? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? शुरू करें। क्या तुम्हें भूख लगी है ना? छोड़ो ना। एक बात जानती हो? क्या? शहर के बाहर एक खूबसूरत सी जगह है, वहाँ चले क्या? सच में? हाँ। नहीं। फोन। रिंग बज रही है, जाओ। अरे यार। हेलो। हाँ गिरी। सुनो, उस एमएलए के बेटे के मर्डर के बारे में बात करनी है। ठीक है, अभी आ रहा हूं। सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी उसे पकड़ लेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। या ही इज मिस्टर गिरी। हेलो सर। हाय, बैठ जाओ। आपके बेटे की मौत से ज्यादा इस बात का दुख है मुझे कि उसे मारा किसने। सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वो करूंगा ये करूंगा, उसे जरूर पकड़ूंगा, जहां भी हो उसे ढूंढ कर लाऊंगा। राजनीति में हूं इसलिए दुश्मन तो बहुत सारे होंगे मेरे। क्या आपका इस बीच किसी से झगड़ा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपके कोई दुश्मन है? मारने जितने दुश्मन तो नहीं है। आपके बेटे के कोई? मेरा बेटा हर छोटी से छोटी बात बताता था, लेकिन जान लेने जितनी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। ओके सर, उसे पकड़ के ही आपके सामने आएंगे। प्रताप, बस मुझे वो जिंदा चाहिए। मेरे बेटे को मारने की वजह उसके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर। श्योर सर। एमएलए के बेटे का नाम क्या है? अरविंद। उसके दोस्त से पूछताछ की? की थी ना, लेकिन कोई भी शक के दायरे में नहीं आता। मारकर सिर्फ ये उंगली क्यों लेकर गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हे मिस्टर, दो रेड बुल। ओके सर। उसकी गाड़ी चेक की? चेक की थी, लेकिन उसमें भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। समझ नहीं आ रहा इस केस को शुरू कहां से करें। ए, रुक जरा। ए मिस्टर, ए मिस्टर, हमने क्या ऑर्डर किया था और आपने क्या दिया? सॉरी सर, सॉरी। वेटर। यस सर। ये ऑर्डर किसने ली? मैंने सर। क्या ऑर्डर थी? रेड बुल। सॉरी सर, गलती हो गई, मैं लेके आता हूँ सर। अपने काम पे ध्यान दिया करो, इडियट। सॉरी।
माफी चाहता हूँ सर। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो न यह दुकान रहेगी सॉरी तुम रहोगे। किसी काम के नहीं। ये घटना सुबह सुबह हुई है। ऐसा पुलिस का कहना है जो मरा है उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जिसकी हत्या हुई है उसकी उंगली काट कर ले जाने के बावजूद पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही है। एमएलए के बेटे की हत्या करके हत्यारा उसकी उंगली लेकर गया था। क्या इन दोनों हत्याओं का आपस में कोई संबंध है या नहीं पुलिस उसकी जाँच कर रही है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्यों रे रंगम्मा, मुझे पहले से ही मालूम था तेरी ऐसी हालत होने वाली है। वैसे भी तूने कितने पाप किए हैं यार, एक या दो? कई मासूम लड़कियों को बाजार में बेच दिया, छोटे बच्चों को भी बेच दिया, दारू पीकर सारे घरों को तोड़ दिया। ये ऐसे काम करके अब देख तेरी क्या हालत हो गई है। नतीजा क्या हुआ उसका, तुझे ऐसी मौत मिली है। ऐसे कामों का यही एक नतीजा होता है। सुन रही हो रंगम्मा, दुनिया में बदकिस्मती क्या होती है जानती हो? हमारे मरने पर अपनों का नहीं होना। समझ में आया? तुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब इस हालत में तुझे मैं समझाऊं भी तो क्या? भैया सो गए क्या? भैया 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 उठ जाओ भैया। सुना है आप रंगम्मा को बहुत चाहते हो, इसलिए लेकर आया हूँ भैया। देखो भैया, चेहरा उतरा उतरा क्यों है भैया, पसंद नहीं आई क्या? जब जिंदा थी वैसे भी किसी को पसंद नहीं आई थी, मरने के बाद आपको भी पसंद नहीं आ रही छी, क्या जिंदगी है। भैया उठिए भैया। ओ भैया इडियट, कितनी बार समझाया कि लाशों को लात नहीं मारते, तू कभी नहीं बदलेगा। मैंने क्या किया है सर, लाश ही तो है ना सर, उसे थोड़ी दुख या दर्द का एहसास होगा सर। लाशों को इस तरह मारना चाहिए स्टूपिड, उन्हें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए। इंसान जब जिंदा हो तभी इज्जत नहीं देते इस दुनिया में, मरने के बाद क्या खाक इज्जत देंगे सर, आप और आपके ये उसूल। धत, तू कभी नहीं बदलेगा इडियट। लो जी कॉफी। सुनिए सुनिए ना, शॉपिंग के लिए चले? अच्छा तो चलते हैं। एक अर्जेंट केस है, संडे चलते हैं। सर जान, प्रताप ने कहा है उसका कोई अर्जेंट केस है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस बार उस पर बहुत प्रेशर है, प्लीज समझो ना। हाँ मैं कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ, हमेशा कोई ना कोई बहाना ही करते हो। संडे को जरूर लेकर जाओगे ना? सर चाय पी लीजिए, बहुत लेट हो गया है सर। क्या सर चाय नहीं पीनी है, कॉफी लेकर आऊं? कॉफी नहीं, जहर लेके आ जा। अभी कहाँ मिलेगा सर? ए तेरे कूल एटीट्यूड से ना मुझे एक तरफ तू और दूसरी तरफ वो, जाके अपना काम कर। वो कौन है सर? तुझे पता नहीं है कौन है? कुछ दिनों से शहर को, लोगों को, मीडिया को परेशान करके रखा है, हर कोई जानना चाहता है कि कौन है कौन है कौन है। सोच के दिमाग फटा जा रहा है। जिंदगी में पहली बार। ए मुझे अकेला छोड़ दे, चल जा। सॉरी सर, ठंडा होने से पहले पी लीजिएगा। ये सब क्या है यार, घर गए बिना यहीं बैठा है? अरे यार एक अर्जेंट केस था इसलिए देर हो गई, तभी जॉगिंग के लिए भी नहीं आ पाया।
वैसे उस हत्या के बारे में तुम्हें क्या लगता है? एक दूसरे के आपस में कोई संबंध होगा क्या? मैं भी यही सोच रहा हूं। जो अभी मरा वो एमएलए का बेटे का दोस्त था। बस एक सबूत मिल जाए उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं। सर ये पेपर। ओ शिट! क्या हुआ? ये देखना। शहर में हो रहे हत्याओं की वजह से जनता भयभीत है। हत्याओं के पीछे का कारण अब तक पता नहीं चला। अब तक जो हत्याएं हुई हैं, उन्हें देखा जाए तो हत्यारा सिर्फ एक उंगली लेकर जा रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? पुलिस को समझ नहीं आ रहा। कमिश्नर का कहना था कि जल्द ही हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं पता लगा। कैसे हुआ? पता नहीं सर, हमारे आने से पहले मर गया था। कब? हेलो प्रताप। ए सर, कितनी बार समझाऊं कि लाशों से ऐसा बर्ताव मत करो। नहीं सर, तू कभी नहीं बदलेगा। ऐसा क्या है? हाँ ठीक है, लेकिन सीरियल मर्डर की लाशें हैं ना, पोस्टमार्टम किया था, वो कहाँ है? यही है सर, बगल वाले कमरे में ही। चलिए सर। आइए सर, मेरी लाइफ में ये पहली बार है सर। हर किसी को अलग अलग तरीके से मारा है सर, लेकिन सबकी एक ही उंगली काटी गई है सर। एक हत्या से दूसरी हत्या का कोई संबंध नहीं है सर। आइए सर, देखते हैं। सुनिए ना, क्या कर रहे हो? हत्याओं का कोई संबंध तो नहीं है, बस सबकी एक ही उंगली काट रहा है। आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा। हत्यारा हमें चैलेंज कर रहा है कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा इंस्पेक्टर, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मीडिया वाले पुलिस वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि हत्यारा कहाँ है, और हमारे पास कोई जवाब ही नहीं। वो बहुत ही चालाक है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा है। जितने भी खून हुए हैं उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। वो प्रोफेशनल किलर है, सीरियल किलर है या साइको है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से मीडिया वालों ने परेशान कर रखा है। हत्यारा अपना काम कर रहा है और पुलिस वाले चूड़ियां पहन के बैठे हैं। ऊपर से प्रेशर, हर महीने सरकार से तनख्वाह लेने में भी खुद को शर्म आ रही है। ए, उधर क्या दिख रहा है? ऑर्डर कौन देगा? जब देखो अपनी धमकी में रहता है। सर, ऑर्डर सर। ए, तू ही बता दे। दो कोक। ओके। अगर पापा लिया ना उसे। दिन ब दिन दुबली हो
होती जा रही हो? ऐसा नहीं है सर। डाइट कर रही हो? सर नहीं सर। सुना है तुम्हारा पति दुबई गया है? हाँ सर। तो अकेले ही रह रही हो? आदत हो गई है सर। लेकिन मेरी आदत नहीं हुई। सर मेरी बात सर, मानो। नहीं सर। सर थोड़ा सा मजा, ये कहाँ से आ गया? पोस्टमार्टम की बॉडी रेडी है सर। ओए, तुम ही समझाओ उसे। मैं देखती हूँ सर। दुखी मत हो बेटी, इसकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जब वक्त खराब होता है तो ऐसे कमीने ऐसा ही करते हैं। उससे सावधान रहना बेटी, शहर में रोज कई लोग मर रहे हैं। ऐसे कमीनों को तो जान से मार डालना चाहिए। चुप हो जाओ बेटी। दरवाजा खोलने से पहले नॉक करने के मैनर्स नहीं है क्या? कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? सर सर, सर उन्हें कुछ अर्जेंट। पेशेंट्स हमेशा अर्जेंट ही होते हैं। हमारे अर्जेंसी के बारे में कौन सोचेगा? यहाँ नई नई आई हो ना, तुम्हें ऐसा ही लगेगा, बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं उन्हें मिलकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ही उसे बचा सकते हैं साहब। ठीक, हटाओ इसे। ये पूजा सब मंदिर में करो। वो भगवान हाथ जोड़ने पर वरदान देता है, ये भगवान कैश देने पर वरदान देता है। कृपया करके शांत रहिए, ये अस्पताल है, फिश मार्केट नहीं। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम उसके बिना नहीं रह सकते। आप पर ही भरोसा है, अब डॉक्टर साहब आप ही बचा सकते हैं, प्लीज डॉक्टर साहब। ए भाई, मैं इतना बड़ा राक्षस नजर आता हूँ क्या? छोड़ दूं तो यहाँ दंगे कर दोगे तुम। आप डॉक्टरों के ऐसे बात कह सकते हो? कहाँ जाएंगे हम? आप ही हमारी मदद कर सकते हैं डॉक्टर साहब। अपने भगवान के पास जाओ, हम बहुत छोटे लोग हैं, इतनी कॉस्टली बीमारियों के साथ हम कैसे जिएंगे? उन्हें कैसे ठीक करें ये पूछिए। दूसरा अस्पताल होता तो अब तक मर चुका होता। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, निकालो इन्हें। से खुल क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अरे अब क्या करूं? अरे अरे सिग्नल भी नहीं है। अरे अरे बाप रे, ये क्या है? व्हाट हैपेंड? माय गॉड, Oh, my God.
चाचा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा श्री। चाची जी कैसी हैं? वो भी ठीक ही है। आप और चाची जी खाने पर घर आने वाले थे ना? हाँ कहाँ, तुम्हारी चाची सुने तब ना। एक दिन जरूर आऊँगा बेटी। गिरी कहाँ है? हाँ यहीं पर है, देती हूँ। सुनिए जी फोन, प्रोफेसर चाचा जी लाइन पर हैं। हाय गिरी। बोलिए मामा जी। वो मर्डर से रिलेटेड केस तुम्हारा ही है ना? जी मामा जी। एक बार घर आओगे, उसके बारे में बात करनी है। जी आऊंगा, जरूर आऊंगा मामा जी। ओके रखता हूं मैं। हेलो गिरी, हाउ आर यू? फाइन मामा जी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ केस के सिलसिले में। हाँ उसी के बारे में। शायद करीब 5 साल पहले पुराने बैच के इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर एक थ्योरी लिखी थी। उसके साथ कई लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए थे, लेकिन उतने लोगों में उसी लड़के का कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक था। ATCCS। क्या मतलब? एंटी थेफ्ट कार कंट्रोल सिस्टम। जब हमारी गाड़ियों की चोरी हो तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करने पर हमारी कार हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। कार में मोबाइल सिस्टम का भी सिग्नल नहीं होता। उस दिन उस पर बहुत चर्चा हुई थी। कुछ लोगों का कहना था मुमकिन है और कुछ लोगों का नहीं। बहुत झगड़ा हुआ। उस लड़के ने उस थियरी में साफ लिखा था कि एंड्रॉइड मोबाइल में डिवाइस डाल के उस कार को हम अपनी कंट्रोल में ला सकते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। लड़के का नाम? हरी। कोई एड्रेस है? एक मिनट। हाँ आज के पेपर में डॉक्टर की मौत की खबर पड़ी। पता चला ये केस तुम डील कर रहे हो। शायद ये तुम्हारे कोई काम आ जाए। मतलब क्या यही लड़का सभी हत्याएं कर रहा है? मे भी। अगर यही सच है तो वो क्यों ये मर्डर्स कर रहा है ये जानने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। ठीक है मामा जी, इसके बारे में मैं इंक्वायरी करूंगा। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच मामा जी। ओके बेटा। पड़ोस में हरी और उनकी फैमिली रहती है ना? अरे सर, हर कोई उनके बारे में पूछता रहता है।
दिन में 10 बार आते जाते रहते हैं। वैसे आप कहाँ से हो सर? डिपार्टमेंट। इनमें से कौन है? देखिए सर, ये बीच वाला लड़का। थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हें इसकी तस्वीर बनानी है। बचपन की फोटो देखकर अब ये कैसा दिखता होगा ये बनाना मुमकिन है? कोशिश कर सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल तो नहीं कह सकती, लेकिन आसपास बना सकती हूँ। तो इस ग्रुप में से जो लड़का बीच में है उसकी तस्वीर बनाओ। कौन है ये? पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सबको मारने वाला यही है। तुम जो फोटो बनाओगे सिर्फ उसकी मदद से ये पकड़ा जा सकता है। कम ऑन, फ्री टाइम नहीं है, तुम्हें कैसे भी करके ये बनाना ही होगा। ओके ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। फास्ट। हेलो प्रताप, वो कहाँ है पता चल गया है? व्हाट? एड्रेस बताता हूँ, नोट कर लो। हाँ बोलो, लिखता हूँ। हाँ, इमीडिएटली जाकर अरेस्ट करो। आखिर पकड़ में आ ही गया। इतने दिनों से सामने होते हुए भी हमें बेवकूफ बना रहा था। उसे स्टेशन लेके जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर, सर 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 सर। इतने दिनों पुलिस को परेशान करके जनता को डराने वाला अनजान हत्यारा अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। वो व्यक्ति कौन है, लोगों को वो क्यों मार रहा है, ये जानना अभी तक बाकी है। प्रतिभा, कैमरामैन वासु के साथ। सर, प्रेस वाले वेट कर रहे हैं। सर बताइए सर, कौन है? सर 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 प्लीज बताइए सर। ये सारे खून उसी ने किए हैं, इसका पक्का सबूत है हमारे पास। हमने उसे कस्टडी में ले लिया है, लेकिन अभी मीडिया के सामने नहीं ला सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। जल्दी उसका नाम पता चल जाएगा आपको। सर और कुछ जानकारी देंगे? आई सेड सॉरी। सर प्रेस वाले वेट कर रहे हैं। क्यों रे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोला कि वो वहीं मिलेगा? हमेशा घर से निकलने के बाद पेट्रोल पंप के पास रुकता था, वहीं से पेट्रोल डलवाता था। जैसे ही श्री ने फोटो बनाई ऐसे लगा कहीं देखा है। बहुत देर सोचा कि कहां देखा है, बाद में याद आया कि हमारे बाजू में ही था। एक बार ये फाइल देख लो, इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। We'll be right back.
हो गया यार। ए, चलते हैं, रुको। क्यों यार, क्या बात कर रहा है? अरे यार, उसकी गर्लफ्रेंड इसी कॉलेज में है, जब तक वो दर्शन नहीं कर लेगा यहाँ से हिलेगा नहीं। अच्छा, तो इतने दिनों से क्यों नहीं बताया बे? क्या रे, कैसे दिखते हो? वो आ रही है देखना। जो लड़की साड़ी पहन कर आई है ना, वही है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ भैया, जो मैंने कहा था वो याद है ना? याद है गुड़िया, घर आने से पहले शाम को सब होंगे। ठीक है, बाय। क्या परी है यार, पागल हो जाऊंगा मैं तो। क्यों यार, खाली दर्शन ही करता है या कभी प्रसाद भी खाने को मिलता है? चुप कर यार। हाँ यार, बात तो सही है। इतने दिनों से दर्शन कर रहा है, इसे प्रसाद नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा यार? कल कैसे भी फॉरेन जा रहा है ना, उसको पार्टी में बुलाना। वो आएगी क्या? जाकर उससे पूछ, आएगी कि नहीं आएगी पता चल जाएगा। हाँ। ए, क्या सोच रहा है तू? फॉरेन जाने के बाद तेरा इंतजार करती रहेगी क्या? एक बार तू दिखा देगा ना तो काफी है, जिंदगी भर तेरा इंतजार करती रहेगी। अरे वो पार्क जाने से ही डरती है। अरे यार, पार्क में क्यों मिलेगा? कॉफी शॉप जाने को बोल, पार्क ही हम देख लेंगे। कॉफी डे में कैसे यार? अरे यार, तू जाना पहले। देख लेंगे हम लोग। जाना, तुम यही रोको। सुमा, हाय, यहाँ कैसे? अरे मैं कल US जा रहा हूँ, प्रोग्राम के बारे में मुझे आज ही पता चला। वापस कब जाना है? जस्ट वन वीक। वन वीक? जरूरी है? बिजनेस के सिलसिले में पापा ने जाने को कहा। ठीक है, रोज फोन करोगे ना? नहीं करूँ तो तुम चुप रहोगी क्या? मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। बाय। जाना यार। अरे जाना कैसे यार, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जाना। सुमा। हाँ? क्या हुआ? वो तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? अभी? अभी नहीं, आफ्टरनून, क्लास के बाद। शाम को भैया आएंगे ना? सिर्फ एक घंटे के लिए, तुम्हारे भाई के आने से पहले आ जाएंगे। प्लीज चलो ना। ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं। बाय। कॉफी डे में कैसे यार? अरे चलना। अरे रुक जा बेटा, मैं चलाता हूँ, ये ले पकड़, तू पीछे बैठ। बैठ गया ना? बीपी शुगर सब नॉर्मल है, फिर भी तेरी माँ हर महीने चेकअप कराने के लिए बोलती है। माँ आपके भले के लिए तो कहती है, चेकअप कराने के लिए तो करा क्यों नहीं लेते? अरे उम्र के साथ साथ ये सब ऊपर नीचे होते रहता है, तेरी माँ भी उम्र के साथ साथ सख्ती बढ़ा रही है मुझ पर। डांटती नहीं है पापा, वो आपसे प्यार करती है। हर महीने बीपी शुगर चेक करने में पैसे बर्बाद होते हैं वो चलता है, लेकिन उसके लिए हर महीने हॉस्पिटल आना पड़ता है ना, वो मुझे शमशान की तरह लगता है बेटा, मुझे वहाँ भेजती है वो। यहाँ से नहीं पापा, वहाँ से, वहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगा। कितने बजे की? 10:30 बजे। मुझे रोज फोन करोगे ना? ए सुमा, क्या हुआ, तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ इसका दुख है? अब मैं क्या बोलूँ, कल से तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, ये सोचकर अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं होगा, रोज कॉल करूंगा ना, वैसे भी कितने दिन, जस्ट वन वीक, मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे ये क्या है? परफ्यूम, USA में बहुत फेमस है। ओ, तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे चक्कर सा आ रहा है। क्यों बेटा हरी, इस साल तेरी IIT पूरी हो जाएगी ना? हो जाएगी पापा। क्या भाव है भाई? 150 रुपया साहब। क्यों बेटा, उसके आगे की पढ़ाई का क्या प्लान किया है तुमने? कुछ नहीं पापा, नौकरी करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, देखकर 2 किलो दे दो भाई। जी साहब। और रेट थोड़ा कम लगा दो भाई, दाम बहुत बढ़ गए हैं साहब, 1-2 रुपए ही छूटते हैं। ठीक है ठीक है, 1-2 रुपए का ही फायदा होता होगा, तुम्हें कहकर क्या फायदा है। अच्छा देखकर डालो। ये मीठा तो निकलेगा ना? अभी अभी फोन आया पापा, हैदराबाद में जॉब मिल गई। सच में? हाँ।
हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे जॉब मिल गई इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। रुक जा, ये बात मैं तेरी माँ को बताता हूँ। नहीं पापा, ये बात फोन पर नहीं, घर जाकर बताने पर माँ के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, वो मुझे देखना है। सही कहा, तू ठीक कह रहा है, लेकिन तेरी बहन को तो बता दूँ। नहीं पापा, वो कॉलेज से घर आ जाएगी। हाँ बेटा, ये बात भी सही है। चलो जल्दी चलते हैं पापा। तेरी सैलरी कितनी होगी बेटा? सब कुछ काटकर 36,000 मिलेंगे पापा। अरे वाह, कमाई में तो तू अपने बाप को भी पीछे छोड़ देगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। हे, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, उसके लिए तुझे गाड़ी लाकर देनी है ना, 2 दिन में ला दूंगा। अच्छा सुन, उसके लिए स्कूटी ला रहे हैं, यह बात उसे मत बताना, रात भर बैठकर रोती रहेगी। अच्छा तुझे कोई काम था ना, तू जाकर बहन को लेकर आ जाना, मैं घर पर जाता हूँ, ठीक है? हाँ हरी, उसे चिकन बहुत पसंद है, आते समय चिकन लेकर आना। हेलो माँ, मैं पीला वाला लूंगा, ये पीला वाला दिखाइए, बहुत अच्छा लग रहा है माँ, ले लिया, ये पैक कर दीजिए। अरे यार, अरे वो मर गई है यार। अभी क्या? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। मेरी बात नहीं मानी तुम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे? ए, तो क्या हो गया यार? मैं कल US जा रहा हूँ यार। अरे तो जाना, मुझे क्यों सुना रहा है? ए चलो। हेलो, हाँ हाँ, सुमा को क्या हुआ जी? सुमा मेरी बेटी है जी। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, क्या हो गया? हाँ, हाँ, हाँ? हेलो, सुनिए ना, आप आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आधे घंटे में आ जाऊंगा। ओके? थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ, तुम तैयार रहो। हाँ ओके ओके, ठीक है यार प्रताप, मैं चलता हूँ। ओके यार, बाय बाय। श्री। हाँ आ रही हूँ बस। और कितनी देर? जल्दी किस लिए जी, रेडी हो रही थी ना।
कहाँ चले? कला मंदिर चलते हैं, वहाँ साड़ियाँ अच्छी मिलती है। हेलो, हाँ, व्हाट? नहीं, पूरे स्टाफ को बुला लो, सीधे स्पोर्ट पे चले जाओ। हाँ, पुलिस खुश हो रही है और हत्यारे ने दूसरा शॉक दे दिया। इतने दिनों से हो रही हत्याओं में पुलिस ने हरी नाम के लड़के को पकड़ा है। एक दिन गुजरे बिना ही दूसरी हत्या हो गई है। ये हत्यारा है कौन? ये पुलिस को इस तरह क्यों परेशान कर रहा है? हत्यारे और जो कस्टडी में है, क्या उसका कोई संबंध है? आखिर ये चाहता क्या है? और ये पुलिस को इस तरह से क्यों परेशान कर रहा है? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। Come on, hurry up. Rohan, he's a promising player, much future in the Tanki. Rohan, keep practicing at home. My dream. ये घटना ठीक सुबह 6 बजे हुई है, ऐसा पुलिस का मानना है। पिछले चैनल चेंज करो। छोड़िए ना, कुछ और देखते हैं। हरी नाम के आरोपी को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद दोबारा ऐसी हत्या होने के वजह से पुलिस परेशान है। हत्यारा कौन है, इस बात पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या हरी और हत्यारे का कोई संबंध है, इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहे। तूने इंटरोगेट किया था? जितना भी मारो मुंह नहीं खोल रहा है, इडियट। कॉक सर, वो अंदर है। फिर भी कत्ल किया मतलब दोनों का कोई संबंध तो जरूर होगा। नहीं नहीं, इन दोनों के बीच कोई संबंध जरूर है। कैसे भी उसे ट्रेस करना है, नहीं तो पता नहीं वो कितने लोगों को मारेगा। कौन है वो, कहाँ रहता है, हमें क्यों इतना परेशान कर रहा है? तलाश अभी तक जारी है। पुलिस हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि वो शहर में ही होंगे। वो जहाँ भी होंगे उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा, इसका आश्वासन पुलिस कमिश्नर ने दिया है। अरे अभी डिस्टर्ब मत करो, बहुत बिजी हूँ। हाय यार। हाय, आजा बैठ। क्या कर रहा है, हमेशा इसी दुनिया में रहेगा या और कोई काम भी करेगा? क्या करूं यार, पहले रावड़ी इंस्पेक्टर मूवी देख के सीआई बनने का सपना देखा था। बनने के बाद समझ में आया सीआई और कांस्टेबल सिर्फ सिनेमा के हीरो हैं। वहां खिलाफ जाए तो हीरो, यहां खिलाफ जाए तो जीरो। शादी कर लेना, थोड़ा रिलैक्सिंग होगा यार। कहाँ यार, ये हत्यारे मुझे शादी करने दे तब ना, सोते जागते कहीं भी हो इनका ही ख्याल आता है। कब कहाँ किसे मारेंगे समझ में नहीं आता। अब तू ही बता, शादी के बारे में कब सोचूं? ये पेपर कटिंग्स क्या है, उसके बारे में क्या बताऊं? पैसे के चक्कर में किसी का खून कर दिया, पड़ोसी की बीवी की चाहत में खून कर दिया, बैचलर लाइफ में पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए खून कर दिया, छोटी छोटी बातों के लिए खून, यहाँ तक कि दूसरों की जायदाद पाने के लिए भी खून। मिस्ट्री बन गया करोड़पति का अपहरण। ओह अच्छा, वो उस समय की बहुत पॉपुलर न्यूज थी, एक अकेले बूढ़े को मारकर उसकी जायदाद लूट ली। हाँ हाँ, पढ़ा था। वो एक मिस्ट्री केस था यार, घर का ओनर मर गया या गायब हो गया पता नहीं, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता करने पर पड़ोसियों ने बताया कि उसका एक पोता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो है कहाँ, है भी या नहीं। फिर क्या हुआ, होना क्या था, ये देखो हिस्ट्री शीटर गंगाराम की फाइल, जैसे ही इसे पकड़ा ऊपर से दबाव बनना शुरू हो गया, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। ओह सॉरी यार, बातों बातों में भूल गया, कॉफी लेके आता हूं।
गिरी, गिरी, यहाँ कितने साल से हो? 10 साल से हूँ सर यहाँ। जब मैं आया था तब जगह खाली थी, अभी घर बन रहे हैं। और ये बिल्डिंग किसकी है? रावड़ी सेठ गंगाराम जी की है सर। उससे पहले एक बूढ़ा था ना यहाँ पर? वो एक बड़ी कहानी है सर। क्या हुआ? अब क्या बताऊँ सर, पहले यहाँ एक रिटायर्ड हेडमास्टर रहता था, पता नहीं कैसे अचानक गायब हो गया। रावड़ी सेठ गंगाराम ने ही उसे मारा होगा, ऐसा गाँव वालों का मानना है। गंगाराम कहता है कि उसने पैसे देकर ये साइट उनसे खरीदी है, तब से वो दिखाई नहीं दे रहा है जी। चलो अच्छा ही है। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। कुछ लोग कहते हैं गंगाराम ने मार दिया, कुछ लोग कहते हैं अपने आप चला गया। अब जो कुछ हुआ वो भगवान को ही पता होगा। उनके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? उनके घर कोई नहीं आता था सर, वो इस गली के आखिरी घर वाले से बात करते थे, आप उधर जाके पूछिए। ठीक है। यही है ना सर? हाँ जरूर यही है ना सर? बिल्कुल वही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ए मिस्टर। यस सर। ये संपत्ति है ना?
हाँ सर। कहाँ रहता है ये? वो छोड़ के चला गया। मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा। पहले कहाँ रहता था? पहले कहाँ रहता था वो तो मुझे मालूम नहीं, पर मेरे यहाँ सिर्फ नौकरी करने आता था। ओ, कम से कम फोन नंबर तो होगा। उसके पास फोन नहीं है सर, उसे बहुत बार फोन लेने को कहा लेकिन उसने कहा मेरा है ही कौन, वो बहुत मासूम है सर। मासूम है? वो मासूम है? तुम्हें पता है उसने क्या क्या किया है? प्रताप टाइम नहीं है, चलो अगर वो आया तो इस नंबर पे कॉल करना। नाटक कर रहा है? बोल बोल। ओ ए ए चल चल ए चल ना। इंस्पेक्टर साहब इसको क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहा हूँ? एक घंटा देरी हो जाती ना तो तुम्हारी लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ती, फिर कवर करने के लिए मीडिया आती, उसके बाद तुम कैसे मरे ये जाने के लिए हमें आना पड़ता। चल रे चल, तेरी तो बताता हूँ तुझे, चल। समझ नहीं आया, इतने दिनों से जनता और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मारने वाला वही इंसान है। वो मुझे क्यों मारना चाहता है सर? ये घर किसका है? मेरा है। खरीदा हुआ? जी वो साइट के लिए उसके दादा को मारकर साइलेंट हो गया था। तुम साइलेंट हो गए इसीलिए वो वायलेंट हो गया, अब वो तुम्हें मारने के लिए आया है। सब मारे गए, गंगाराम और तुम ही बचे हो। गलत काम करते वक्त नहीं सोचते, किसी को भी बिना सोचे समझे काम पर रख लेते हो, लेकिन तुम लोग ये नहीं सोचते कि उसका अंजाम क्या होगा। तुम्हारे मरने के बाद कैसे मरा ये हमें सोचना पड़ता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन इस केस में पुलिस अब तक हत्यारे तक पहुंच नहीं पाई है। पुलिस को इस केस में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आखिर इन हत्याओं का मुजरिम कौन है अब तक कोई जान नहीं पाया। आखिर ये मुजरिम है कौन? पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस केस के बारे में जैसे हमें कुछ पता लगता है हम आप तक पहुँचा देंगे। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे हमारा न्यूज चैनल। सर। हेलो प्रताप, कहाँ हो? सर वो घर पे ही हूँ सर। घर पर हो ये कहने के लिए घबरा क्यों रहा है? मेरा केस छोड़कर घर पर बैठकर एंजॉय कर रहे हो? सर क्या है, तुम और तुम्हारा डिटेक्टिव दोस्त घर पर बैठकर क्या कर रहे हो? मेरे बेटे के हत्यारे को मुझे सौंपने को कहा था और तुम किसी और को जेल में डालकर उससे पूछताछ कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम उनके साथ मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, ऐसा ही है ना? नहीं सर, जल्द ही ये केस सॉल्व कर लेंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए सर, प्लीज भरोसा कीजिए। भरोसा? दुनिया में किसी का भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ब्रोकर का भरोसा कभी नहीं कर सकते हैं। सर आप फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हैं, प्लीज रिलैक्स रहिए। मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ? तुम्हें ऐसा ही लगता है? तुम अकेले रहते हो, तुम्हें इस दुख का अंदाजा भी है? कभी रोए होगे तो ना? सॉरी सर, अगर आपको ठेस पहुँचाई हो तो। सॉरी किस लिए? देखो मेरे बात करने के तरीके से तुम्हें दुख हुआ होगा, लेकिन क्या करूँ, बेटा नहीं है ये सोचकर ही मैं खुद को भूल जाता हूँ। उसी दुख से ऐसी बातें निकलती हैं। वैसे भी बारिश के पहले हवा, दुख से पहले गुस्सा आता ही है। बुरा मत मानना। ठीक है सर, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप बस शांत रहिए, हम अपना काम पूरा करके आएंगे। तुम्हारा दिल साफ है? ठीक है रखता हूँ। तेरी तो पहले जो मुंह में आए बक देता है, फिर तेरा दिल साफ है ये कहके शांत करता है। ए, तुम लोग कितने लोग हो? हाँ? इंसान के रूप में हैवान हो तुम लोग। जब मेरी मार तुम लोगों पे पड़ेगी ना तो अपने बाप को याद करोगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि तुम लोग पैदा क्यों हुए। तुझे पता है रात में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है मुझे। तुम लोगों के चक्कर में पागल कुत्तों की तरह घूम रहा हूँ मैं। तुम लोगों की वजह से इस उम्र में मुझे बीपी की बीमारी हो गई है, समझे तुम लोग? Yeah.
इंसानों की जान को तुमने मजाक समझ रखा है? बहुत आसानी से तुम लोगों की जान ले लेते हो ना? ऐसे मर जाएगा यार, मर जाएगा यार, मर जाने दे यार। इस बात का नहीं कि तुमने लोगों का खून किया, इस बात का है कि तुमने पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया, समझ गए ना? इसीलिए तुम लोगों का वो हाल करूंगा। ऐसे मारोगे तो मर जाएगा। इतने दिनों से इन लोगों के पीछे पागल की तरह घूम रहा था, अगर मारता नहीं ना तो मार लिया ना, अब तो शांत हो जाओ। ठीक है, ये कमीने तो पकड़े गए ना, तेरे आने से पहले ये केस सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। गिरी, थैंक्स यार। त्री तैयार हो गई ना? आ रही हूँ जी। अब तो हमारा जाना कैंसिल ही होगा। अब क्या हुआ यार? तुझे पता नहीं है क्या? दोबारा हुई हत्याएं, हैरान पुलिस। सीरियल मर्डर केस में आज रात एक और हत्या हुई। पुलिस के हत्यारे को पकड़ने के बाद भी हत्या होने की वजह से असली हत्यारा कौन है, इस सवाल से पुलिस हैरान है। हत्यारा कौन है, पुलिस ने किसे पकड़ा है, क्या कुछ भी करके इस केस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पुलिस पर ही शक किया जा रहा है। ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है। भूख लगे तो खाना चाहिए, उसके बिना उसकी भूख नहीं मिटती। जो दुख में है उसे बदला चाहिए, जो डर रहा है उसे हिम्मत चाहिए। मारने वाले को हथियार और मरने वाले को वजह की जरूरत नहीं है। तुम दोनों 25 साल के भी नहीं हो और इतने खून। मुझे ये नहीं जानना है कि तुम क्यों मार रहे हो, कितने लोगों को मारे हो ये जानना है, और कितने लोगों की जान लेने वाले हो ये जानना है। कितने लोगों को मारकर तुम्हारा बदला पूरा होगा? तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, सिस्टम में बदलाव नहीं आया है। तुम्हारे मन में अब तक बदले की आग जली हुई है। तुम लोग इतनी छोटी उम्र में ये सब क्या कर रहे हो जानते हो? तुम लोग समाज में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हो। इन सब चीजों को जड़ से ही मिटाना होगा। तुम जैसे सैकड़ों पैदा होंगे और यहां अत्याचार खत्म नहीं होगा। बोलो, कितने लोग हो तुम लोग, बोलो। ए! इनके मुंह से सच कैसे उगलवाना है मुझे आता है। तुम जाओ। ए! तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, बता सच बता, और कौन कौन शामिल है तेरी गैंग में, बता बता, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा, बता। ए! बता। तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे, लेकिन मुझे उगलवाना आता है। चुपचाप सच्चाई उगल दे, लेजे में गोली ठोकूंगा ना तो सच बाहर आ जाएगा। ठोक दूं क्या? ठोक दूं। प्रताप, प्रताप नहीं। मार दूंगा तुझे। ठोक दूंगा तुझे, समझा? छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। इतने दिनों से टॉर्चर करने के बाद भी सच नहीं उगल रहे। जिसे डर हो वही सच बोलता है, और जिसे जिंदगी से उम्मीद ही ना हो वो कभी सच नहीं बोलेगा। दिल के घाव से शरीर के घाव बहुत छोटे होते हैं, इसके लिए दूसरा तरीका है। लेकिन वो लीगल नहीं है। अगर सब लीगल हो तो सच पता नहीं चलेगा।
सच्चाई बता। ए प्रताप रुक जाओ यार। हरे कृष्णा संपत, सच कहना है। गुड बॉयज, दोनों में से कौन बताएगा? वही बताएगा सर। नहीं वही बताएगा। नहीं वही बताएगा। ठीक है ठीक है, कोई एक बताओ। हरि बताओ। संपत हम सब सुन रहे हैं। हरि बता रहे थे ना कि बात करोगे? हाँ मैं बात करूंगा। तुम दोस्त हो? दोस्त नहीं, कुछ महीनों से दोस्त है। कितने लोग? दो जन ही, दो लोग। और बाहर कौन है? हाँ बाहर भी है। कितने लोग हैं? एक ही है। मतलब एक बाहर है? जी हाँ। हरी कुल मिलाकर कितने हैं? तीन है सर। नाम? हरी। तुम्हारा नाम नहीं, जो बाहर है उसका नाम, पूरा नाम? शिवा। पूरा नाम? सांबा शिवा। कहाँ है सांबा शिवा? वो यही है सांबा शिवा, शिव भगवान है ना। सांबा शिवा भगवान तो ठीक है, तुम्हारा दोस्त सांबा शिवा? सांबा शिवा के बारे में एक बड़ी कहानी है। मुझे कहानियां बहुत पसंद है, बताओ। वो ए शिवा। हाँ जी। दिव्या तुमसे मिलने आई है। दिव्या आई है? हाँ वो बाहर ही है, जाओ। क्या हुआ दिव्या, क्या है? बुखार है क्या? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ दिव्या, डर लग रहा है क्या? मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे तो वो देखते तक नहीं है। तो अब क्या करें हम दिव्या? वो भी मुझसे ही पूछोगे, जोर से गले लगाते वक्त किस करते वक्त जो हिम्मत होती है वो शादी करने के लिए नहीं होती है ना? ऐसा क्यों कह रही हो दिव्या, मैं तुम्हारे लिए ही तो जी रहा हूँ। मुझे पता है लेकिन घर वालों को नहीं पता है ना। ए शिवा तुम्हें डॉक्टर बुला रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ, शाम को घर आकर बात करता हूँ, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, तुम घर जाओ दिव्या। आओगे ना पापा के सामने उनसे बिल्कुल बिना डरे बात करना। सब कुछ रेडी है ना? जी सर रेडी हूँ।
सुनिए जी, आपसे मिलने कोई आया है। कौन है? कोई शिवा नाम का। घर तक लेकर आ गई उसे। कौन है वो लड़का? जो लड़का मुझे पसंद नहीं, ये उसी से प्यार करती है। देख रही हो ना, इतनी मेहनत करके मैं इसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ और ये है कि उस मनहूस से शादी करना चाहती है। क्या सोचा तूने? तेरे पापा तेरी शादी नहीं करवा सकते हैं या तुझे हमारी जरूरत नहीं है? घर तक आ गया मतलब बात इतनी दूर तक चली गई है। हमने क्या कमी रखी थी? पापा, मैं कहती हूँ शिव को कुछ मत कहना। देखो इसे, देखो, 25 साल से पाल रहे माँ बाप को छोड़कर उस आवारा का साथ दे रही है। देखो, तुम कौन हो और क्या करते हो, मेरी बेटी से कैसे मिले, ये सब मुझे नहीं चाहिए। जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी जरूरी है और मुझे लगता है कि तुम उसे खुश नहीं रख पाओगे। ये उसे नहीं पता, वो पगली है। अनजाने में जो पसंद आता है उसी को दुनिया समझ बैठती है मेरी बेटी। सोचा था कॉलेज जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करेगी, लेकिन ऐसा सब करेगी ये बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि गुस्से में अगर तुम्हें कुछ कहूं या मारूं, उसके बाद गुस्से में तुम दोनों ऐसा कुछ करो जिससे हमारी इज्जत जाए, वो सहन करने का धैर्य मुझ में बिल्कुल नहीं है बेटा। उस जैसी बेटी को पैदा करने वाले हमें तुम जैसे अनजान लोगों को जवाब देना पड़ता है। छी, हमारी किस्मत ही ऐसी है, क्या करें। देखो बेटा, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ये सब नहीं होगा, भूल जाओ, जाओ। मेरा नाम शिवा है जी, जात पात कुछ नहीं पता, कहाँ पैदा हुआ ये भी नहीं पता, हॉस्पिटल की बाजू वाली बस्ती में रहता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता, जब मैं पैदा हुआ मेरे पास कोई नहीं था सर, पालने वाली माँ ने मुझे ये बताया है। बाजू वाले अस्पताल में मैं वार्ड बॉय का काम करता हूँ जी। मेरी तनख्वाह से आपकी बेटी को रानी की तरह रखूंगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इन सब के बाद भी मर्जी आप ही की होगी, यही कहने आया था मैं यहाँ। अंकल, आपकी जगह मैं अपने माँ बाप को देख सकता हूँ अंकल। मैं आपकी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ अंकल। अगर आप ही नहीं होंगे तो मुझे उस प्यार की कोई जरूरत नहीं। जो भी फैसला हो वो आपके हाथ में है। सोच कर बताता हूँ। दिव्या, दिव्या सुन, दिव्या। ऐसा सोचा नहीं था, लगा था पापा को देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छी तरह से बात की। हाँ, कोई बात नहीं, तुम में भी जिगर है। क्या मतलब? तुम्हारे पापा मान जाएंगे ना शादी के लिए? लगभग हाँ कह दिया ना। उन्होंने कहा वो सोच कर बताएंगे। सोचने में और हाँ कहने में ज्यादा फर्क नहीं होता है। सच कहूँ तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ठीक है। दो काफी हैं? एक काफी है। सॉरी बॉस। देख कर चल सकते हो ना? कोई बात नहीं। काफी है? एक चौको चिप्स लाओ ना। लेकर आता हूँ। तुमने जो चौको चिप्स मांगी है वो नहीं है। तो फिर कुछ भी ले लो, खुद ही आकर देख लो। दिव्या, ए, ए, रुक, ए, कहाँ जा रहा है? निकल ले। ए, रुक जा।
दिव्या उठो दिव्या, दिव्या तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अरे प्रभु, कोई तो आओ यार, प्रभु। ए स्टेशन, जल्दी लेके आओ, जल्दी करो यार। दिव्या चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्या, आंखें बंद मत करना दिव्या। दिव्या क्या हुआ था, कैसे लग गया? एक्सीडेंट हुआ यार, आंखें बंद मत करना दिव्या, मैं हूँ दिव्या, दिव्या तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्या, दिव्या 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्या, मैं तुम्हें बचा लूंगा दिव्या, दिव्या तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्या, दिव्या। ए डॉक्टर को बुलाओ यार, डॉक्टर बुला। दिव्या 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 दिव्या, क्या हुआ दिव्या, ये सब क्या हो गया बेटा, उठो दिव्या, हमारी बेटी दिव्या, दिव्या उठो दिव्या। डॉक्टर क्या हो गया, देखिए डॉक्टर क्या हुआ, देखिए हो रहा, ओके ओके डॉक्टर, दिव्या डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर, दिव्या 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 बेटी अपने पापा से बात करो ना, एक बार बात करो बेटी, तुम्हारी बात नहीं मानी तो अपने पापा से हमेशा के लिए दूर चली गई। दिव्या उठो बेटा, देखो अपनी माँ को देखो, कम से कम माँ से तो बात करो ना, अपनी माँ से भी बात नहीं करेगी, माँ से भी बात नहीं करेगी क्या, मैंने इतनी बड़ी गलती की है बेटा। हे भगवान, हमें ये सजा क्यों? ए, मेरी बेटी के साथ क्या किया तूने? तूने कहा था प्यार करता है, इसके बिना जी नहीं सकता, और अब ये क्या किया, ऐसा क्यों किया तूने? बोल बोल। ए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, लेकर आ लेकर आ। तुम्हारे मिलने के बाद इसका ये हाल हुआ, हमारी जिंदगी में क्यों आए, बोल बोल बता। ये शोर कैसा, और ये लाश स्टेशन में इन्फॉर्म किया कि नहीं? किया सर। पोस्टमार्टम के लिए रेडी करो। ओके सर। यार पोस्टमार्टम नहीं यार, पोस्टमार्टम नहीं प्रभु, नहीं यार पोस्टमार्टम नहीं यार, नहीं कर सकते, समझा कर, पोस्टमार्टम मत करवा यार, नहीं हो सकता, पोस्टमार्टम मत करवा यार प्रभु, प्रभु प्रभु बात सुन यार, प्रभु पोस्टमार्टम मत करवा यार, नहीं यार। इस बार कुछ भी करके छोड़ दीजिए साहब। देख रहे हो ना बाहर कितना प्रेशर है। बेवकूफ कहीं का, काम करो तो पीछे निशान नहीं छूटना चाहिए, जहाँ तक हो सके छुपा देना चाहिए, समझे? बताइए सर आपको कितने देने हैं? कौन है सर? ये कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया है। भेज दे उसे। जाओ सर, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ एक्सीडेंट करवा कर मार दिया सर। मरवाया सर, सर यही है जिसने दिव्या का एक्सीडेंट करवाया है, यही है सर, मेरी दिव्या को मार दिया तूने। ए क्या कर रहा है, छोड़ मुझे छोड़। ए मैं निकालो। ए, 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 ए,
हरी हरी सांबा शिवा कहाँ है? हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ रहता है? हिमायत नगर में। एड्रेस? एड्रेस S21Y हिमायत नगर। नेक्स्ट टारगेट? गंगाराम। कम ऑन मूव। खून करेगा? सर मुझे ड्यूटी करने दीजिए। ए क्या रे, खून करना ही तेरी ड्यूटी है? हाँ देखना यार, ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी खून करना इसकी ड्यूटी है। प्रताप। ओह शिट शिट शिट, चल रे चल। बताया क्या इसने? सर बहुत पढ़ाई लगाई लेकिन कुछ नहीं बताया। ए चल बता, कुछ तो बता, क्यों बेवजह मारते हो लोगों को? तुझसे पहले जो दो लोग अरेस्ट हुए थे उन्होंने भी सच्चाई नहीं बताई। कम से कम तू तो सच्चाई बता, सजा तो वैसे भी कम नहीं होगी। ए बता। मुझे कुछ नहीं पता सर। तू ऐसे नहीं बताएगा? नहीं पता सर। बता बता सर। तू नहीं बताएगा ना? तू ऐसे नहीं बताएगा? कितने लोग हो तुम लोग, इंसान हो या जानवर? पुलिस के नाक में दम कर रखा है तुम लोगों ने। अनपढ़ इंसान जानवर बन जाए तो समझ में आता है, लेकिन ये लोग पढ़े लिखे जानवर हैं। तुम्हें तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। आखिर तुम लोगों ने क्यों खून किया? ए बताओ ना। तुम्हें लगता है कि चुप रह के तुम लोग बच जाओगे? जानते हो यह मेहमान नवाजी कैसे होती है? तुम लोग प्यास से चीखते रहोगे लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। दो दिनों के अंदर प्यास से मर जाओगे तुम लोग। इससे पहले कि तुम लोग मरो, नर्क क्या होता है तुम्हें यही दिखा दूंगा। अच्छा है कि सच्चाई बता दो। हम क्यों मरेंगे सर?
क्या कहा? क्या कहा बे तूने? हमको कौन मारेगा सर? क्या कर सकते हैं आप? जब तक आपके अंदर शक्ति है तभी तक आप मार सकते हैं ना, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अभी की अभी तुम हमें मार सकते हो, लेकिन इसके बाद नहीं, तुमसे नहीं होगा। तुम मुझे मारने के बाद बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा, समझे? अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। ये सब हमारे सिस्टम में नहीं होता, ये सब तुम्हारे सिस्टम में होता है, समझे? क्या कहा था तुमने? हम जानवर बन गए हैं, इंसान की तरह रहने वाले हमें जानवर किसने बनाया? तुमने, तुम्हारे सिस्टम ने। हमने समाज के गलत काम करने वाले लोगों को मारा है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का हक नहीं, और ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। ये कानून हमारा मामा है। ऐसे सोचने वाले लोगों का मैंने शिकार किया है तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? बताइए, बताइए। हमें पकड़ने के लिए इतनी सारी पुलिस, और हमारे पीछे इतनी सारी मीडिया, और गलत करने वाले नेताओं को मीडिया और पुलिस दोनों सपोर्ट करती है। हमारे देश को आजादी दिलाने वाले गांधी जी थे, या समाज को बदलने वाले सृष्टिकर्ता थे, जो और कहीं के। क्यों? क्या जिंदगी सिर्फ उन्हीं की है? उनकी वजह से बर्बाद हुए लोगों की जिंदगी नहीं है? उस दिन आप कहां थे? इतना शोर करने वाला मीडिया कहां था? आपका न्याय कहां था? आपको पता है सर कि परिवार क्या होता है? जानते हैं सर परिवार कैसा होता है? जानते हैं सर कि परिवार क्या होता है? किसी की बहन पर अत्याचार करके हंसते हुए सड़क पर घूमने वाले कमीनों को देखकर भी कुछ ना कर पाने वाले निसहाय स्थिति कैसी होती है? जानते हैं सर? जानते हैं आप? जिसे जान से ज्यादा प्यार किया हो उसी लड़की को बीच सड़क पर बेरहमी से मार दिया तो? मेरे साथ ऐसा हुआ है कहकर कोर्ट और पुलिस के पीछे पागलों की तरह घूमने पर भी न्याय को अंधेरे में रखकर अन्याय की रोशनी में हंसने वाले कमीनों को देखना कैसे होता है, जानते हैं आप? नहीं जानते सर आप, ये मैं जानता हूँ। आप जैसे पुलिस वाले जिन्हें न्याय की रीढ़ होनी चाहिए थी, उन्हें भी अन्याय के झूठे बिस्किट की आदत हो जाए तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? मारेंगे, मारेंगे हम। उनके साथ क्या करेंगे? फांसी की सजा देंगे? गलती की ही तो सजा मिलेगी ना? मुझे लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। क्या तुम जैसे लोगों के लिए वो बेवकूफ हीरो बन गया? जानती हो कि उसने लोगों को कैसे मारा है? वो गलत नहीं लग रहा तुम्हें? उनके साथ जो हुआ है उसके लिए किसे गलत ठहराओगे? किस्मत में ऐसा लिखा है ये सोचना चाहिए, या जो हुआ है उसे ऐसे ही छोड़ दे? मतलब तो सबको मारते फिरेगा वो? उसको किसने हक दिया? जब अन्याय करने वालों को सजा देने वाला सिस्टम नहीं है तो उन्होंने क्या गलत किया? मतलब? जो भी गलती करेगा उसे मार दिया जाएगा क्या? फिर ये कोर्ट कचहरी पुलिस सब क्यों बनाया है? उसकी वजह से क्या सबको न्याय मिल रहा है? इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे बन गए हैं, थोड़ा सोचिए। आप जिस पुलिस कोर्ट की बात कर रहे हैं उनकी वजह से कितना न्याय मिला? देखो श्री, तुम चाहे जो भी कहो उन्होंने गलत ही किया है, उन्हें जरूर सजा मिलेगी। यार एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं है तो कैसे मिले? ये लोग कहां मिले, कब मिले? One, two, three.
सर, बहुत लोग सफर में दोस्त बनते हैं, कॉलेज में दोस्त बनते हैं, इंटरनेट चैटिंग में दोस्त बनते हैं, फोन पर दोस्त बनते हैं, लेकिन साथ में मरने के लिए दोस्त बहुत कम मिलते हैं। सबकी अलग अलग परेशानी, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था सर। फिर वहीं हम तीनों ने कसम खाई कि आज के बाद हम जान नहीं देंगे बल्कि बुरे लोगों की जान लेंगे। उसके बाद हमने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया सर। हम लोगों ने जो भी किया इसका कोई गम नहीं, और ये सब करने के बाद हमने ये फैसला किया कि आज के बाद हम ही पुलिस, हम ही कोर्ट, हम ही जज हैं। हमारे कोर्ट में माफी नहीं होती, गलती की है तो मरना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमने सभी बुरे लोगों को मारना शुरू कर दिया, अगर बच गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ए, 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 ये सब करके तुम लोगों ने क्या हासिल कर लिया? तुम्हारे जैसे लोग जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, बाद में जिंदगी को बीच में ही खत्म कर लेते हैं, क्या फायदा है? अगर उसी दिन मर गए होते तो हमारे लोग सोचते कि मजबूरी में आए हैं, समझे क्या आप? लेकिन अभी जाए तो खुशी से हमारा इंतजार करते रहेंगे। जिंदगी से प्यार नहीं और मौत से डर नहीं, पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी जा रहा हूं बस। सामने आधी जिंदगी पड़ी हरी शिवा संपत की जिंदगी ऐसे बीच में समाप्त होने का कारण है हम, हमारे आसपास का समाज, हमारा कानून, राजनीतिक व्यवस्था। क्योंकि अच्छाई की आड़ में कई लोग गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को अनदेखा करने वाले हमारे न्यायालय, हमारे देश में क्या ये नियम है कि गलती करने वालों को इतने दिनों में जरूर सजा मिलेगी? नहीं, अगर होता तो कम से कम गलती करने से पहले एक बार सोचकर कदम पीछे ले सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारे पास ऐसे कानून नहीं है। ऊपर से गलती करने वाला अगर ये मान ले कि मैंने ही वो गलती की है, तो उसके पक्ष में बात करने के लिए लॉयर्स, उसे बचाने के लिए राजनैतिक नेता, ये बदलना चाहिए। आखिर में हरी शिवा संपत द्वारा कही गई बात एक ही है, गलती करने वालों को 100 दिनों में सजा सुनानी चाहिए। क्योंकि हर छोटी बात के लिए 100 दिन खुशियां मनाने वाले हमारे देश में 100 दिन की खुशियां छोड़कर गलती करने वालों को 100 दिन में सजा दिलवानी ही चाहिए। और तभी मासूम, हमारी बहनें, बेटियां सभी खुशी से निडर होकर रह सकती हैं, सबके साथ खुशी से जी सकती हैं। कृपया करके सब लोग सोचिए, पालन करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए।